सो है व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल हाइपर आज आगे में। आज हम फिर से खेलने वाले मैक अरीना। एंड गाइज, आज हम लोग मैक अरीना में जो ग्लिचेस होते हैं उसका पार्ट टू करने वाले। पार्ट वन अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे डायरेक्ट पार्ट वन देख सकते हो। एंड पार्ट वन में हमने मैक्स के बारे में बात की थी, इस वीडियो पे हम लोग वेपन्स के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को विथआउट स्पिक करके एंड तक देखते रहना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। I got broads in Atlanta, just to me in the family, credit cards and the scams, getting the licks in the band, legacies. सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा, आज वेपन्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं। एंड ये बात मेरे को पहले से ही हाइपर मैक ने बता दी थी, बट मैंने प्लान किया था कि पार्ट वाइज पार्ट वन आऊँगा, इसलिए मैंने पार्ट टू भी ले आया। ठीक है गाइस, एंड आप लोग जानते ही हो मेरे पास जो कुछ वेपन्स है जैसे कि नहीं है, जैसे कार्बिन 8 हो गया एंड कार्बिन 10 हो गया एंड रेल गन हो गया। सो अभी गाइस हम लोग लैंचर पे देखो ग्लिच यूज़ करने वाले एंड हम लोग चलते हैं लैंचर पे। गाइस इस साइड हम लोग मिसाइल रैक 6 एक्टिव कर लेते हैं एंड इस साइड हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक है गाइस, सो आर यू रेडी? बूम, मैजिक देख पा रहे हो, लैंचर कितना ओपी लग रहा है। ठीक है, एंड अभी और हम लोग ट्राई करने वाले, जैसे कि इधर आप लोग देख लो। ठीक है, तो ये देखो भाई ओपी लैंचर। एंड यहाँ पे देख पा रहे हो जो गन हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो गन भी हम लोग कर सकते हैं, बस आपको ऐसे करना है। एंड कल का ट्रिक जिसको नहीं आया था उनको मैं बता दूँ, आपको कोई ज़्यादा अपग्रेडेड मैक लेना है जिसकी एनर्जी लिमिट ज़्यादा हो, उसको वेपन इक्विप करना है एंड देन आपको चेसिस पे जाना है। ठीक है, एंड देन आपको वो मैक चूज़ करना है जिस पे आपको सेट करना है एंड फिर थर्ड स्टेप है आपको स्किन पे टैप कर देना है एंड फिर हो जाएगा। बट आज हम लोग वेपन्स के ऊपर बात करने वाले। सो अभी लैंचर पे गाइस और वेपन्स इक्विप करेंगे। ठीक है, सो आपको मैं दिखा देता हूँ। एंड ये है हमारा कार्बिनेट, ओके, एंड स्किन। ओ भाई देख सकते हो आप लोग लैंचर को भी। एंड हम लोग एक साइड इसके मिसाइल रैक 6 लगा देते हैं। ओके ठीक है, सो अभी आपने लैंचर का सारा देख लिया, बट आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो जैसे कि ये। ठीक है, एंड अब बारी आती है एमडी की। ठीक है, एमडी की बारी आती है। अब हम MD को देने वाले हैं गाइस रॉयल गन 16 एंड बस स्किन्स पे टैप करो। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी करो एंड देख पा रहे हो MD कितना ज्यादा ओपी लग रहा है। ठीक है, एंड कार्बिन 12 के साथ भी आप लोग देख सकते हो MD को एंड आप लोग वेपन्स को भी ऐसे कर सकते हो। सो ये जो ग्लिच है गाइस बहुत ज्यादा ओपी ग्लिच है, आप इसको यूज कीजिए आप भाई, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको ट्राई करने में, आप लोग देख सकते हो इधर। एंड अब बारी आती है शैडो की। सो मैं जो कम रैंक वाले उन्हीं के साथ ये सब टिप करने वाला हूँ, तो शैडो इक्विप करते हैं। ठीक है, मेरे शैडो की एनर्जी लिमिट थोड़ी ज़्यादा है इसलिए मैं इसको मिसाइल रैकेट दूंगा। एंड अब हम चलते हैं अपने रॉयल गन पे। ओके, ये रॉयल गन एंड देख पा रहे हो शैडो विथ रॉयल गन 16। हम लोग गेम प्ले तो नहीं कर सकते बट हम लोग बस देख सकते। ओके, एंड अभी इसके साथ कार्बिन 12 हमने कल इक्विप किया था बट फिर भी हम इक्विप कर सकते हैं। सो कार्बिन 10 करते, सो देख पा रहे हो कार्बिन 10 के साथ भी कितना ओपी लग रहा है एंड हम लोग कार्बिन 8 भी इक्विप कर सकते हैं। ठीक है भाई ओपी। सो और क्या, कार्बिन 12। ठीक है, अब गाइस अब हम कोई जो पार्ट वन में मैंने आपको टिप बताया था ग्लिच का, तो वो वाला अभी यूज़ करने वाले हम लोग, बस हमको कुछ नहीं करना है। एंड आप लोग देख लो, अभी मेरे पास चीता अवेलेबल नहीं है बट मैं टैप करूँगा तो भाई साहब कितना ओपी भाई। तो देख पा रहे हो ये है चीता। ओके, सो गाइस अभी तो हमारे ये सब ग्लिचेस के बारे में हो गए, तो वेपन का और मैंने शायद फर्स्ट वीडियो में मैक्स का भी बता दिया। अब हम करते हैं गेम प्ले जो कि होने वाला एक चैलेंज, तो चलिए गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। A few moments later. So guys, हमारा बैटल जो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और चैलेंज है
कार्बन 12 प्लस जेलविन ड्रैग 6, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। एंड वैसे ये कॉम्बो मेरे को सही लग रहा है, उतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, क्योंकि जेलविन ड्रैग से लॉन्ग रेंज में ही हम लोग डैमेज दे पाएंगे बिना कवर से साइड हटे। एंड गेम प्ले को पूरा देखना, बिकॉज मुझे लगता है कि ये गेम प्ले बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। सामने चिमकांडी, इसको मारते। ओके भाई, बहुत डैमेज दिया था गाइस, कवर पे चला गया। ओबे ओबे, रुक जा। ओ भाई, ये जगरनट लोग आजकल बहुत ज़्यादा मारने लगे। हर बैटल में कम से कम एनिमी के टिप में 5 जगरनट्स तो होते ही है। एंड यहाँ पे किल नहीं हो पाएगा। इधर मारते, तो शायद किया ये हमारा फर्स्ट। ओके, फर्स्ट किल हो गया हमारा, ठीक है हमारी लिस्ट का फर्स्ट। एंड यहाँ पे मैं कोने में खड़े होकर स्नाइपर चलाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कोने में विथाउट डैमेज ले हुए मारेंगे सबको। ओके, परफेक्ट। एंड यार, इसने अपनी शील्ड एक्टिव कर दी, वरना मैं इसको मार देता। बाय द वे, हम अभी भी इसको डैमेज दे सकते। ओके, ये प्लेयर गया। एंड हमारा सेकंड किल भी हो चुका है। एंड देख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा हाई डैमेज पड़ रहा है। और ये थर्ड किल, किलिंग स्प्री कंप्लीट, वो भी बहुत जल्दी। एंड देख पा रहे हो कितना ज़्यादा हाई डैमेज। वो भाई, किल चोरी, अभी मेरे 4 किल हो जाते, इसकी वजह से मेरा 1 किल चला गया। कोई बात नहीं। सो गाइस, यहाँ से एक प्लेयर जा रहा है, ओमेगा मोहन। ओके, एंड इसको मारने की कोशिश करते, बट ये कवर पे चला गया। सो ये किल भी नहीं हो पाएगा हमारा। अभी इसको मारते, ठीक है। हमारा स्नाइपर चलता है वैसे, मार। ओके। एंड सब लोग जो बोलते हैं कि चीता अनलॉक कर लो, सो मैं चीता अनलॉक नहीं करने वाला हूँ। मैं रायल गन के लिए 1 कॉइंस कलेक्ट कर रहा हूँ। एंड इधर देख पा रहे हो, इसको भी हम लोग मार रहे हैं अभी। एंड शायद ये किल हम लोग ले पाएंगे इस लैंचर को मार के, कोशिश करते। ओके, ये लैंचर फिर से कवर पे चला गया यार, ठीक है। तो गाइस, देख पा रहे हो कितना ज़्यादा हाई डैमेज पड़ रहा है उस प्लेयर को, 4.5 के इसका डैमेज पड़ रहा है। एंड यहाँ पे भाई कौन है भाई, शैडो कैप्चर करने में लगा है। कोई नहीं गाइस, हम इसको भी मारने की कोशिश करेंगे। एंड आगे बढ़ते, तो बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है ये अपने लेज़र से, मतलब थर्मल लेंस। सो ठीक है, डोमिनेटिंग हो गया, तो मैंने शैडो को मार लिया। भले ही इसको एम करना हार्ड रहता है, बट टिप्स होती है यार, प्रो टिप्स होती है, उससे मारते हैं, ठीक है। यहाँ पे भाई ये जगन्नाथ है, ये पूरा बैंड बजा देगा। ओके, अच्छा हुआ नीचे गया। एंड ये हमारा 6th किल। ओपी, आगे चलो। सो ये जगन्नाथ भाई, ओमेगा मोहन फिर से भाई, कितनी बार आता है, इसको मारते हैं इसको। ओ नहीं, आई थिंक कवर पे चलना चाहिए पहले। ओ भाई, कितना डैमेज दे रहा है भाई, पूरी हेल्थ कम कर दी इस प्लेयर ने। बट इसको किल कर लेंगे। ओके, अनस्टॉपेबल हो गया हमारा। ओ भाई, रुक जा। सीरियसली गाइस, हमने अनस्टॉपेबल अभी किया। एंड ये बंदा पीछे से टपक गया। कोई नहीं, अबे नमूने, ओमेगा मोहन इधर आ तू पहले। एंड आगे चलते हैं। एंड ये प्लेयर बराबर बैंड बजाएगा, इसलिए कवर पे रहते। एक तो मेरे पास जेलविन ड्रैग 4 और 6 है। ठीक है, फिर से मारने की कोशिश करते। ओके, इस बार गया अच्छे से। एंड ओ भाई यार, इसने स्टॉप कर दिया, वरना इसको किल कर लेता मैं। वेट। शिट यार, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सो गाइस, इस चिमकांडी ने हमारे 2 मैक्स को मार दिया। अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला हूँ, अब इसकी बैंड बजाने वाला हूँ। बहुत मार रहा था, ठीक है। रिवेंज कंप्लीट। एंड आई थिंक उनके सारे प्लेयर्स ख़त्म हो गए। 2 प्लेयर्स बचे सिर्फ। पार्टनर्स किल कर लो 2 प्लेयर्स को। ओके, आखिरी प्लेयर, उसको किल करो भाई कोई। ओके, ख़त्म। सो गाइस, हम लोग ये मैच हो चुके हैं विक्ट्री। एंड साथ ही साथ MVP चैलेंज हो चुका है हमारा कंप्लीट। सो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे लेटेस्ट में करीना से रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। सो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।